आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे उन्होंने प्लेन और लाइन एक इस तरह से डिस्कस किया है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी, मुझे ए और बी का डिस्टेंस चाहिए। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, दोनों पॉइंट्स अगर मुझे पता होंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल। लेकिन बी पॉइंट तो पता होना चाहिए उसके लिए, तो उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट निकालेंगे। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ श्वेतिशा, और हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज मैथमेटिक्स। एनालिटिक ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और प्लेन्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकेंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं एनालिटिक ज्योमेट्री में। एनालिटिक ज्योमेट्री आपका पेपर वन का एक सब्जेक्ट है और हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्ट्रेट लाइन्स हम लोग जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, प्लेन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्लेन के कुछ कंसेप्ट हम स्ट्रेट लाइन में यूज करेंगे। और जो फर्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का समझने वाला, वो है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। देखिए स्ट्रेट लाइन जो है वो आपने ऑलरेडी टू डायमेंशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है? टू डायमेंशन में क्या क्या रहता है, टू डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टू डायमेंशन, ठीक है? तो लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास दो मेजर फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो पहला जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। तो देखिए इक्वेशन निकालनी है आपको लाइन की, तो लाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो अगर आपको सिमेट्रिकल फॉर्म निकालना है लाइन की इक्वेशन का, तो हमें दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, एक हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस बढ़ा देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि वी आर डीलिंग विद अ लाइन इन थ्री डायमेंशन। सो ये है एक्स, ये है वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है? चलिए इसके बाद क्या दो इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए एक पॉइंट ऑन लाइन, तो ये रहेगा आपका अल्फा बीटा गामा। एक लाइन होनी चाहिए पता, उसके अलावा हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होनी चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसा कंसेप्ट लगता है जो आपने किया है, पुराना है लेकिन नहीं याद आ रहा है, जैसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, तो मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे आपको लिखती जाऊंगी। आपने क्या करना है, आपको पता है हमें क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, उसको नाम देंगे आर ओ बी एम, मीन्स रिविजन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, और वहां पे आप वो बेसिक चीजें लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि ये तो हमें याद नहीं था, है ना? तो उसको आप नाम दे दीजिए आर ओ बी एम, रिविजन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आप वो लिखिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस का क्या कंसेप्ट है, आई होप याद हो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। कोई भी अगर लाइन है थ्री डायमेंशन में, तो दैट लाइन इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एंगल विद द एक्स एक्सिस मान लीजिए अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए गामा है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का जो कंसेप्ट है वो एक लाइन के साथ एसोसिएटेड होता है। डायरेक्शन कोसाइन किसका निकलता है, एक लाइन का निकलता है। तो वो लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक्सिस के साथ एंगल्स बना रहे होंगे अल्फा बीटा गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, राइट? यूजुअली हम इनको डिनोट करते हैं एल एम और एन से, और एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इनफैक्ट अगर आपको कभी डाउट हो कि ये तीन नंबर्स क्या डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो डेफिनेटली वो तीन नंबर्स क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब कंफ्यूजन किस किस के बीच में हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, दोनों ही कंसेप्ट एक लाइन से एसोसिएटेड है। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस एक लाइन का निकलता है, डायरेक्शन रेशियो भी लाइन का निकलता है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, आप कोई भी मल्टीपल डायरेक्शन कोसाइंस का लिखें, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। मतलब आप एल एम एन को अगर आप किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नॉन जीरो नंबर ए बिलोंग्स टू
नॉन जीरो नंबर। सो ये क्या आ गया आपका, डायरेक्शन रेशियोज आ गया, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं। आप कोई भी नॉन जीरो नंबर लो, आप डायरेक्शन साइन से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो गया आपका डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। चलिए वापस आते हैं कंसेप्ट पे। मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन आपको इस लाइन के मालूम है, वो है हमें दिए हुए एल एम एन। तो दो इन्फॉर्मेशन आपको लाइन की अगर पता है तो आप बहुत ही आसानी से सिमेट्रिकल फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, उसका क्या क्या तरीका है, देखिए आप क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन पे एक्स वाई जेड। ये हमारे पास वेरिएबल पॉइंट है, ये आपके पास वेरिएबल पॉइंट है, और हम मान लेते हैं जो हमें पॉइंट पता है उससे उसका डिस्टेंस आर है, जो हमने पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया है। ऑब्वियसली एक्स वाई जेड मूव कर रहा है, इट्स अ वेरिएबल पॉइंट, तो आर भी चेंज होता रहेगा जैसे जैसे एक्स वाई जेड मूव करेगा। इसको हम पी पॉइंट बोल देते हैं। तो जैसे जैसे पी पॉइंट मूव करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, ए से आप ड्रॉप करो परपेंडिकुलर ऑन एनी ऑफ द एक्सिस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे ड्रॉप करना इजी लग रहा है डायग्राम वाइज, बिकॉज आप ये भी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वी आर डीलिंग विद एनालिटिक ज्योमेट्री वेयर वी आर गोइंग टू डील विद द कॉन्सेप्ट्स इन थ्री डायमेंशन, राइट। तो थ्री डायमेंशन में हम हर चीज तो बना नहीं सकते, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पे दिखा सकूं। तो अभी डायग्राम से थोड़ा इजी लग रहा है कि वाई पे ड्रॉप करना, ठीक है, अदरवाइज कोई लाइन है, आप लाइन मत समझो, आप एक पॉइंट समझो, एक पॉइंट है और एक लाइन है, एक पॉइंट ए है और एक लाइन वाई एक्सिस है। तो पॉइंट से लाइन पे तो आप परपेंडिकुलर बना सकते हो ना, चाहे वो स्पेस में हो, एक पॉइंट एक लाइन परपेंडिकुलर तो बना सकते हैं। तो ए से मैंने परपेंडिकुलर बनाया वाई पे और पी से भी मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ए पॉइंट पे जो वाई कॉम्पोनेंट होगा वो बी होगा बीटा, क्योंकि ये पॉइंट है अल्फा बीटा का, और सिमिलरली ये पॉइंट होगा आपका पास वाई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस बीटा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई माइनस बीटा होगा। जो ये डिस्टेंस होगा वो होगा हमारे पास वाई माइनस बीटा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आप क्या करें, ये जो लाइन है That is, let's say, अभी मैंने अल्फा बीटा गामा यूजुअल यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है, तो मान लेते हैं ये जो हमारे पास वाई एक्सिस के साथ एंगल है वो बीटा डैश बना है, ये जो एंगल है हमारे पास वो बीटा डैश बना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो ये जो हमारे पास एंगल है वो है हमारे पास बीटा डैश। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला कौन सा एंगल है, ये एंगल है जो आपका लाइन वाई एक्सिस से बना रहा है, तो यानी कि हम कॉस बीटा डैश की बात कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ही है, राइट, लेकिन किसका, लाइन का। लाइन का डायरेक्शन कोसाइन तो हमें ऑलरेडी पता है, एल एम एन है, वो हमें दो ही चीज तो नोन है ना, नोन या गिवन, गिवन आपके पास है अल्फा बीटा गामा ऑन लाइन एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस अल्फा बीटा गामा एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर, कोसाइंस ऑफ लाइन आर एल एम। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है हमारे पास, तो कॉस बीटा डैश विच इज गिवन टू बी एम। आप कॉस बीटा डैश इस ट्राइंगल से निकालिए, बेस है आपके पास, ये बेस है आपके पास वाई माइनस बीटा, और ये क्या है, ये हाइपरटेन्यूज है, दिस हाइपरटेन्यूज इज आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहां से क्या आया, यहां से आ रहा है आपके पास वाई माइनस बीटा इज इक्वल्स टू एम आर, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ए और पी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करते
विच इज नॉट पॉसिबल टू शो हियर क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो सिमिलरली आप अगर आप वाई और जेड पे इसको ड्रॉप करेंगे तो ये आएगा जेड माइनस गामा इज इक्वल्स टू एन आर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बनेगा. और एल एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू एल आर, ये आपका थर्ड इक्वेशन. ठीक है, तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस आई हैं. अब नोटिस करिए ये जो एक्स वाई जेड है वो ऐसा पॉइंट है जो हमने रैंडमली उस लाइन पे लिया. ठीक है, आप इन तीनों से, तीनों इक्वेशन से आर निकाल सकते हैं, उनको इक्वेट करिए. फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री, फर्स्ट इक्वेशन से आर की वैल्यू क्या है, एम को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, एन एन को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे दूसरे इक्वेशन में, तो ये बनेगा z माइनस गामा अपॉन n और यहाँ आएगा x माइनस गामा अपॉन n. तो इतना समझ में आता है कि हमने क्या किया है, x इक्वेशन 1 2 3 से r की वैल्यूज निकाली है, तीनों को यहाँ इक्वेट करके लिख दिया, दिस ऑल इज इक्वल्स टू r और यही आपकी इक्वेशन है. इस इक्वेशन को हम लोग क्वेश्चंस में या आर्टिकल्स में या फर्दर रिजल्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे यूज करेंगे कि एक लाइन है, लाइन के ऊपर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं, उन इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमें लाइन की इक्वेशन पता है, हमें लाइन की यूनिकनेस पता लग गई और वो एक्स वाई जेड आप यहाँ से निकालेंगे. ये इस तरह से इक्वेशन आपको हेल्प करेगी, वाई की इक्वेशन यहाँ से, सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ से, एक्स एक्स की इससे और जेड की इससे, कैसे लास्ट आर से आप इक्वेट करेंगे. ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट राइट नाउ आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है लाइन की और इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन. तो आप देख लीजिए जो आपकी गिवन चीजें थी वही हमने यूज किया, हमने अल्फा बीटा गामा यूज किया, हमने एल एम एन यूज किया लास्ट एक्सप्रेशन में. तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इट एम्प्लाइज एक्स माइनस अल्फा बाय एल, वाई माइनस बीटा बाय एम और z माइनस गामा बाय n. ठीक है, ये आपकी ये आपका आ गया सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन. ध्यान रहे ये जो एल एम एन एन है डिनोमिनेटर में वो डायरेक्शन कोसाइंस है, पर ऐसा नहीं है डायरेक्शन कोसाइंस ही होंगे, डायरेक्शन रेशियोज भी आप लिख सकते हो. तो आप ऐसे लिखो कि इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय इक्वेशन स्टार, डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी रिप्लेस्ड विथ डायरेक्शन रेशियोज बट इन केस आर विल इन दैट केस बट इन दैट केस. अब यहां पर ये जो इक्वेशन है इसमें ये एक्स वाई जेड का डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा से ये आर है, मतलब जो भी आपका ये रेशो आ रहा है, तीन रेशो हैं आपस में बराबर है. तो मान लीजिए आपने आपको आपको वैल्यूज पता है अल्फा बीटा गामा की और एल एम एन. ठीक है, आपने आपने 2 3 4 का डिस्टेंस निकालना है वो अल्फा बीटा गामा से. अब क्या करेंगे, 2 3 4 यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, 2 यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे, अल्फा आपको ऑलरेडी मालूम है, एल आपको ऑलरेडी मालूम है, एक फ्रैक्शन आएगा और वो फ्रैक्शन r के बराबर है. r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है किसका, 2, 3, 4 का और अल्फा बीटा गामा का. ठीक है, लेकिन अगर आपने डिनोमिनेटर्स को चेंज किया, अगर आपने डिनोमिनेटर्स में डायरेक्शन कोसाइंस इंस्टेड ऑफ देम अगर आप डायरेक्शन रेशियोज यूज कर रहे हैं तो आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. ठीक है, तो इक्वेशन तो आप लिख सकते हैं बट इन दैट केस r विल नॉट बी डिस्टेंस between xyz and alpha beta ka. तो ये आपको वैसे याद रहे कि जब भी
ये वैसे आपको आगे भी आर्टिकल्स में यूज होगा, तो प्लीज इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई पॉइंट 2, 3, 4 एक लाइन के ऊपर और ये ए पॉइंट है, तो अगर मैं पूछूं कि आप मुझे इस, आपको मान लीजिए इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन पता है, इक्वेशन पता है मतलब पॉइंट भी आपको पता है और इसके डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, तो मतलब इक्वेशन पता है। मैंने आपको पूछा कि आप मुझे एक ऐसा पॉइंट बताइए इस लाइन पे जो 3 डिस्टेंस अवे हो गिवन पॉइंट से, ए से, तो अगर 3 डिस्टेंस अवे है तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसके तो दो पॉसिबिलिटीज है, 3 डिस्टेंस अवे वो यहां भी हो सकता है इस डायरेक्शन में भी, ये आपके पास पी, और वो दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो लेकिन वो कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो पी हो चाहे वो क्यू हो, वो इक्वेशन तो सैटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x माइनस, नाउ योर पॉइंट इज 2, 3, 4, तो x माइनस 2/L, y माइनस 3/m और z माइनस 4/n, ये है पॉइंट, ये है इक्वेशन। इस इक्वेशन में से आप x, y, z तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, आप इसको किससे इक्वेट करेंगे? आप इसको इस बार 3 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए, मुझे 3 डिस्टेंस अवे वाला पॉइंट चाहिए, मुझे 3 डिस्टेंस अवे वाला पॉइंट चाहिए। तो आप x इस वाले को इससे इक्वेट करिए, क्या आएगा यहां पे, मैं इसको 3 से इक्वेट कर लिया, और यहां पे हम कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप फर्स्ट फ्रैक्शन को 3 से इक्वेट करिए, आपके पास आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 3l, यानी कि x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3l प्लस 2, ठीक। सिमिलरली आपके पास y की वैल्यू आएगी 3m प्लस 3 और आपके पास z की वैल्यू आएगी, और आपके पास z की वैल्यू आएगी 3n प्लस 4। अब x, y, z की जो आपके पास वैल्यूज है ये तो एक आ रही है, लेकिन हमें पता है 3 डिस्टेंस अवे पे तो दो पॉइंट्स है, p है और q है, तो ये किस डायरेक्शन में आ रही है, ये p में आ रही है, ये q में आ रही है, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट इसमें से होगा 3l प्लस 2 जो आया है पॉइंट, 3m प्लस 3 और 3n प्लस 4, एक तो होगा। दूसरा क्या होगा फिर? दूसरे में आपने डायरेक्शन रेशियोज की के साइन चेंज कर देने, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप इसको माइनस एल माइनस एम माइनस एन रिप्लेस करते, इक्वेशन में करने की जरूरत नहीं है, तो पॉइंट आप सीधा लिख सकते हैं माइनस 3l प्लस 2 माइनस 3m प्लस 3 और माइनस 3n प्लस 4। ये कंसेप्ट आप आगे की जो हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स है उसमें यूज हो सकता है, तो प्लीज आप इसको नोट आउट कर लीजिए, ठीक है, कि आप किस तरह से सिमेट्रिक इक्वेशन को यूज करके एक 3 डिस्टेंस या r डिस्टेंस अवे वाला पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी डायरेक्शन, ठीक है। चल इक्वेशन से शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस को ही टारगेट करने वाले हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन दिस। ओके, तो ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, और जहां तक हो पाएगा मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। क्या बोल रहा है वो, आपको एक डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस किसका, एक पॉइंट, चलिए वो पॉइंट बना ले फटाफट। पॉइंट है -1, -5, -10, ये पॉइंट है। अच्छा, कहां से? एक दूसरे पॉइंट से, ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी, फ्रॉम द पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ठीक है, तो ये जो दूसरा पॉइंट हमने बनाया है इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी। तो बी पॉइंट के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दो चीजों का होता है, दो लाइन का हो सकता है, एक प्लेन एक लाइन का हो सकता है, या इस तरह से तो देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला। ये कह रहे हैं कि वो इंटरसेक्शन है एक लाइन का और एक प्लेन का। कैसे, कैसी पिक्चर नजर आएगी, कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये आपके पास प्लेन है, ठीक है, और यहां से एक लाइन इसको कट कर, तो आई होप आपको नजर आ रहा होगा कि
ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे उन्होंने प्लेन और लाइन एक इस तरह से डिस्कस किया है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी, मुझे ए और बी का डिस्टेंस चाहिए। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, दोनों पॉइंट्स अगर मुझे पता होंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल। लेकिन बी पॉइंट तो पता होना चाहिए उसके लिए, तो उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट निकालेंगे। तो बी पॉइंट निकालने के लिए बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल्स टू वाई माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल्स टू जेड माइनस टू डिवाइड बाई ट्वेल्व। ये है आपकी लाइन की इक्वेशन, जो ये ग्रीन लाइन बनाई है मैंने यहाँ पे, और उस प्लेन की इक्वेशन है आपके पास ये, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू फाइव। अब सबसे पहले जो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट लाइन पे भी प्रेजेंट है और प्लेन पे भी प्रेजेंट है। अगर लाइन पे प्रेजेंट है, अच्छा इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास, अब ये तो हमें पता नहीं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हैं या डायरेक्शन कोसाइंस हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसी कंफ्यूजन है तो आप चेक कर लीजिए थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर वन आ रहा है या नहीं, कहीं से भी ये वन नहीं आ रहा है तो ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो हम ये नहीं मान सकते, इसको मैं किसी आर से इक्वेट करके ये नहीं बोल सकती कि एक्स वाई जेड जो होगा वो आर डिस्टेंस अवे होगा टू कॉमा माइनस वन कॉमा टू से, ठीक है। पर चलिए कोई बात नहीं, तीनों बराबर है तो तीनों रेशो को हम किसी के बराबर ले लेते हैं। इज इक्वल्स टू के, ठीक है। तो इस पूरी लाइन पे हम एक्स वाई जेड का नेचर बता सकते हैं इस सिमेट्रिकल फॉर्म से। हम क्या लिखेंगे कि इसका मतलब एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा हर पॉइंट। अब यहां से एक्स निकालिए, इसको और लास्ट को इक्वेट करके थ्री के प्लस टू होगा, थ्री के प्लस टू, अच्छा फोर के माइनस वन, और यहां से क्या निकालेंगे ट्वेल्व के और ये प्लस टू, सो ट्वेल्व के प्लस टू। इसका क्या मतलब है, देखो k तो कोई भी नंबर हो सकता है, आप k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करिए, पुट करते चलिए आपके पास एक, अगर आप एक k की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास एक पॉइंट आएगा और वो एक पॉइंट पक्का उस लाइन पे। दूसरे k की वैल्यू पुट करिए, मतलब रियल नंबर में से दूसरा पुट करिए, आपको दूसरा एक कोई पॉइंट मिल जाएगा लाइन पे। आप कितनी k की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इन्फाइनेटली मेनी, वी हैव इन्फाइनेटली मेनी रियल नंबर्स, और वो सारे इन्फाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ k विल गिव यू इन्फाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है उसका सिग्निफिकेंट, कि वो जो इक्वेशन आपको सिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई है वो आपको आइडिया देती है हर वो आपको आइडिया देती है हर एक पॉइंट की, लाइन पे हर एक पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट मिल गया है। आगे अगर, लेकिन हमें तो इन सारे पॉइंट्स लाइन पे जितने हैं उससे तो हमें मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ एक ऐसे पॉइंट से मतलब है जो लाइन पे भी हो और प्लेन पे भी हो। तो हम उस के की वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो के की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली ये बी पॉइंट देगा, मतलब मैं वो के की वैल्यू ढूंढ रही हूं जिससे मुझे वो पॉइंट प्लेन के ऊपर मिल जाए। तो इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करिए, ये क्या आएगा, थ्री के प्लस टू माइनस फोर के प्लस वन प्लस ट्वेल्व के प्लस टू इज इक्वल्स टू फाइव। यहां से k की वैल्यू सॉल्व करिए, फिफ्टीन, ये हो जाएगा इलेवन के प्लस फाइव इज इक्वल्स टू फाइव, दिस एंड दिस कॉन k इज इक्वल्स टू जीरो। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट आ गया, आप पुट करिए। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब k की ये वो वैल्यू है जिससे आपको वो एग्जैक्टली बी पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, जीरो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, क्या बनेगा, ये बन जाएगा थ्री के मतलब जीरो प्लस टू, यह आएगा जीरो माइनस वन और यह आएगा जीरो प्लस टू। सो ये पॉइंट हो गया आपके पास टू कॉमा माइनस वन कॉमा टू। अब आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं एंड
distance between a and b. So modulus of 2 comma minus 1 comma 2 minus minus 1 comma minus 5 comma minus 10. ये आपका a point है और ये आपने अभी जो निकाला है b point. इनके बीच का डिस्टेंस. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये मैंने कैसा नोटेशन लिख दिया है, मॉड्यूलस का क्या मतलब है थ्री टपल में और ऐसा कुछ, तो ये भी ध्यान रखिए जो मॉड्यूलस होता है, अगर मैं मॉड्यूलस के अंदर ऐसे लिखूं कि a माइनस बी, तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन a एंड. अब वो a एंड b किसी भी स्पेस में हो सकता है. जैसे मैंने यहाँ पे आर थ्री के दो पॉइंट लिए हैं, वो कॉम्प्लेक्स के दो पॉइंट हो सकते हैं, वो आर टू के दो पॉइंट हो सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन a एंड b. और मॉड्यूलस का हर स्पेस में अलग मतलब है. मतलब तो सेम है बट हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंट है ना. तो आर थ्री में अगर मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में फॉर्मूला डिस्टेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला. टू माइनस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस ऑफ माइनस फाइव स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 10 स्क्वायर. तो ये आप सॉल्व करिए, यहाँ पे आ जाएगा 3 9 4 16 25 एंड दिस विल बी 12 25 169 13. तो ये आपके पास आंसर, ये आपका आया रिक्वायर्ड डिस्टेंस. Required distance. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question. Find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane. This, ठीक है, बहुत ही simple सा question है. इसमें कुछ समझने में कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए. क्या दिया हुआ है, आपको एक कोऑर्डिनेट निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो कि ओरिजिन से बनाया जाएगा इस प्लेन के ऊपर. तो एक ये ओरिजिन है 0 0 0, यहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया है एक प्लेन के ऊपर. ठीक है, ये प्लेन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये बी पॉइंट हमें निकालना. कैसे निकाल सकते हैं प्लेन्स के बारे में, प्लेन की इक्वेशन 2x plus 3y minus 4z plus 1 is equals to 0. डायरेक्शन रेशियोज, अगेन अगर आपको कुछ ऐसे ऐसी पॉइंट्स लग रहे हैं जो आपको नहीं पता, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पढ़ा तो था लेकिन थोड़ा भूला हुआ लग रहा है, तो आप इमीडिएटली एक बॉक्स बनाइए और वहां पे अपने जो प्रीवियस कंसेप्ट है वो लिखिए. इसका फायदा क्या रहता है कि जब भी आप रिविजिट करते हैं अपने नोट्स को या इन क्वेश्चंस को जब आप रिविजिट करेंगे तो ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट बच जाते हैं वहां पे, क्योंकि वो बॉक्सेस आपका अटेंशन सीख करते हैं और वहां पे आप देखते हो कि अच्छा हाँ ये कंसेप्ट था जो उस समय मुझे याद नहीं था, अब मुझे ये दोबारा रिवाइज हो गया तो आपको ये नहीं भूलेगा. ठीक है, तो हमने प्लेन में ये कंसेप्ट पढ़ा था कि इनके जो कोफिशियंट्स होते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी पंजाबी इंग्लिश कुछ में भी आप लिख लीजिए साइड में कि आपको याद रहना चाहिए कि जो प्लेन्स में प्लेन की इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमें डायरेक्शन रेशियो देते हैं प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन का, प्लेन के नॉर्मल का. नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर एक ही बात है. तो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अब देखिए नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ना, तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. अब वो परपेंडिकुलर लाइन और जो हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है वो पैरेलल होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है वो भी परपेंडिकुलर होगी प्लेन के, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी और पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है. अगेन इफ दिस इज न्यू फॉर यू लिखिए, राइट डाउन, एक बॉक्स बनाइए उसमें लिखिए कि पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं. तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी हमें ऑलरेडी पता है, क्या है 2, 3 and -4, ये मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट्स निकाले. ठीक है, ये नहीं समझ में आया है तो इतने पार्ट को आप रिपीट करिए, रिपीट पे चलाइए और दोबारा सुनिए. तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास 2, 3, -4 आ गए हैं उस लाइन का. अब लाइन की हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है, हमारे पास लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, हम इक्वेशन निकाल सकते हैं.
Therefore, equation of AB is x minus 0 divided by its direction ratio, y minus 0 divided by its direction ratio, and z minus 4 divided by minus 4. ठीक है, तो ये आप किसी k के इक्वल है. ठीक है, आगे तो जनरल पॉइंट कैसा नजर आएगा उस लाइन पे, क्योंकि अगेन मुझे तो बी पॉइंट चाहिए, मुझे तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो उस लाइन पे भी हो और प्लेन पे भी हो. तो ये तो एग्जैक्टली ये वाला केस हो गया जहां पे आप कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. पहले हम एक जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ये लाइन तो पता ही है. तो जनरल पॉइंट, इट इंप्लाइज जनरल पॉइंट ऑन ए बी, जनरल पॉइंट ऑन लाइन ए बी is of the form (2k, 3k, minus 4k). आप यहां से x निकालिए, इसको और लास्ट को इक्वेट करके y निकालिए और z निकालिए. ठीक है, minus 4k. तो ये जो जनरल पॉइंट है वो हमारे पास प्लेन पे भी, मतलब हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो प्लेन पे लाई कर रहा है. और यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स मिलते रहेंगे, है ना. हमें वो चाहिए पॉइंट जो प्लेन पे लाई कर रहा है. इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, it implies 2 times 2k plus 3 times 3k minus 4 times minus 4k plus 1 is equals to 0. यहां से k की वैल्यू निकालिए, 4, 9, 16, 4 plus 9 plus 16, 29, 29k minus 1 is equals to 0 plus 1. It implies k is minus 1 by 29. ठीक है, k की वैल्यू आपके आ चुकी है. ये वही k की वैल्यू है जो आपको वो वाला पॉइंट देगा जो लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है, दैट इज पॉइंट बी, और वही हमें निकालना था. ठीक है, आप इस k की वैल्यू को पुट करिए. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज माइनस 2 बाय 29, माइनस 3 बाय 29 और माइनस 4 बाय 20. ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है, आपने पिक्चराइज भी बहुत अच्छे से कर लिया, आपका इंट्यूशन भी बहुत सही है कि आपको पता है एक लाइन है, एक प्लेन है, कैसे कट कर रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं सारी चीजें अगर, और आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, अगर आप उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपने आंसर शीट्स पे, तो वो बेकार हो जाएगा. तो उसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि हमें हमें प्रेजेंट नहीं किया जाता, हमसे लिखा नहीं जाता आंसर, तो सबसे पहले तो आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए. ठीक है, राइटिंग पैटर्न आप एक बुक का ही फॉलो करें. बेस्ट बुक अगर आप एनालिटिक ज्योमेट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो बेस्ट इसके लिए बुक है पी एन चटर्जी बेस्ट बुक है एनालिटिक ज्योमेट्री के लिए. तो आप वो बुक उठा लीजिए और जैसा लिखा है पैटर्न, कहाँ सिंस आएगा, कहाँ देन आएगा, कहाँ आपको नाउ, और ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके आंसर राइटिंग को थोड़ा सा एक वजन देती है, जो बाकी आंसर से अलग बनाती है. आप सिर्फ इक्वेशन से बात कर लेंगे, 1, 2 को सॉल्व किया, की वैल्यू निकाली, पॉइंट आ गया, ये आता, ऐसे नहीं काम होता. इससे क्या होता है, सब्जेक्टिव आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली चीजों को अगर अच्छे से डिफाइन नहीं करेंगे, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आपने रफ में आंसर निकाल दिया और मार्क करना है. आपको लिखना है शीट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स का नजर आना चाहिए. ठीक है, अगर वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 20 मार्क्स का वो नजर आना चाहिए. अगर उसमें आप 5 लाइन लिख के आ रहे हो और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें मुझे 20 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा. तो उसमें आप छोटे छोटे जो रिजल्ट्स हैं उनको
प्रूव करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका स्पेस बढ़े, ताकि आपको 20 मार्क्स का वो नजर आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ होंगी। तो जब तक आप फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा, जब तक आप फ्लूइड डायनेमिक्स में पहुंचेंगे, वो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उन चीजों में, अगर आप प्रैक्टिस करें, एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए और राइटिंग पैटर्न आप उसके हिसाब से फॉलो करें, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया पीएन चटर्जी इज द बेस्ट। आगे चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वन कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री, वन कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री फ्रॉम द प्लेन। तो ये एक पॉइंट है, आपको प्लेन से इसका डिस्टेंस निकालना है। देखिए, कभी भी किसी पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, कभी भी एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे, मान लीजिए अगर आपको एक पॉइंट का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है आपको दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, लेकिन अगर आप लाइन के साथ निकाल रहे हैं तो कैसा डिस्टेंस, कौन सी लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। आई होप ये आपको पता हो, कोई बात नहीं अगर नहीं पता तो, है ना। तो आप लिख लीजिए एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो नहीं बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, अगर नहीं गिवन तो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर, लेकिन कई बार वो बताएंगे आपको कि कौन सा डिस्टेंस निकाल, क्या वो परपेंडिकुलर है या वो परपेंडिकुलर नहीं है। और वही एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हो रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप देखो इस क्वेश्चन से निकाल सकते थे, ये पॉइंट है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। जब आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही निकाल लिया, तो आपको तो अब तो क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का रह गया, वो आप निकाल सकते। चलिए, तो अब लेकिन यहां क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वन कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री फ्रॉम द प्लेन दिस, ठीक है, प्लेन भी आपको पता लग गया, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। दे आर टेलिंग यू कि आपको कैसे डिस्टेंस निकालना है। देखो, डिस्टेंस आपको एक ऐसे लाइन के थ्रू निकालना है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे कोई एंगल अल्फा बन सकता है, कोई एंगल अल्फा बन सकता है। अब ये लाइन कैसी है, ये लाइन है पैरेलल टू द लाइन दिस, मतलब ये बी पॉइंट, सबसे पहले आप ऑब्वियसली आपको बी पॉइंट निकालना पड़ेगा और फिर आप ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये दिया हुआ है कि ए बी लाइन जो है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, और ये गिवन लाइन क्या है, दिस इज वन कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री। ओके, तो ये जो लाइन है दैट इज एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू वाई बाय थ्री इज इक्वल्स टू माइनस जेड बाय सिक्स, या आप माइनस नीचे भी ले आ सकते हैं माइनस सिक्स, ठीक है। ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, कैसे निकालेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन देखो, ए बी लाइन की इक्वेशन तो हम फिर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हर बार आपने यही किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। जब आपको ए बी की इक्वेशन पता लग गई, तो आप एक जनरल पॉइंट निकालते हो, उस जनरल पॉइंट को आप प्लेन की इक्वेशन में पुट करके के की वैल्यू निकालते हो, के की वैल्यू वापस यहां आके पुट करते हो, और वो आपके पास पॉइंट आता है। तो अभी भी मेरा टारगेट वही है कि क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ। तो हमें दो चीजें चाहिए, हमें इस लाइन के बारे में एक पॉइंट पता होना चाहिए, वो हमें पता है, और इसके हमें डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए। और वो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन के तो पता ही है, ये है एक लाइन जो उसके पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ ए बी इज गिवन बाय, चलिए x माइनस पॉइंट है आपके पास वन, और डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके पास टू, फिर है y माइनस, ये आपके पास दूसरा पॉइंट माइनस टू, और डायरेक्शन रेशियो है आपके पास थ्री, z माइनस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। यहां से आप क्या करेंगे, जनरल पॉइंट निकालेंगे, यहां से हम लोग एक जनरल पॉइंट निकालते हैं, देयरफॉर जनरल पॉइंट ऑन ए बी इज टू, बाय इक्वेटिंग दिस विद के, इज टू के प्लस वन कॉमा थ्री के माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स के प्लस थ्री, ये आपका जनरल पॉइंट आ गया।
लेकिन हमें वो पॉइंट चाहिए जो प्लेन पे भी हो और उस ए बी लाइन पे भी हो, वो बी पॉइंट है। अगर ये पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ दिस लाइन लाई ऑन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, देयरफॉर 2k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 2 प्लस माइनस 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा माइनस माइनस 7k और यहाँ आपके पास आएगा क्या रहा है, 1 3 6 6 माइनस 1। सो k की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/7, आपको मिल गया पॉइंट। देयरफॉर पॉइंट इज, ये आप यहाँ पे पुट करिए, देयरफॉर b इज 2/7 प्लस 1 9/7, यहाँ पे पुट करिए 1/7 क्या रहा है 14, तो माइनस 11/7 और यहाँ पुट करिए 6k + 3 15/7। ठीक है, कैलकुलेशंस जितनी भी बेसिक हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या आपको लग रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको पता है कि कैलकुलेटर्स आपको अलाउड है, तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ऑल्दो मैं नहीं कह सकती कि लीनियर अलजेब्रा में तो कैलकुलेटर्स के बिना नहीं होगा या मॉडल अलजेब्रा में कैलकुलेटर्स के बिना नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसमें चाहिए होता है, तो वो नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है तो इसलिए इट्स बेटर टू ऑलवेज हैव योर कैलकुलेटर ऑन योर टेबल वाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, या जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल का पढ़ रहे हैं, मैथ्स ऑप्शनल का। तो उससे क्या होता है कि आपका आपका दिमाग इसके लिए प्रिपेयर रहेगा कि हाँ मेरे पास कैलकुलेटर है। अगर आपको थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रही है, आप फटाफट से कैलकुलेटर्स उठाइए करिए, और इससे एक और बात होगी कि आपका हाथ भी थोड़ा सा बैठ जाएगा अपने कैलकुलेटर्स पे। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप कोई पुराना कैलकुलेटर ना लें, क्योंकि वो उसकी उससे आपको आदत हो जाती है प्रैक्टिस करने में, और अगर आप पेपर में फिर वो अगर आप चांस नहीं ले सकते कि कुछ प्रॉब्लम हो गई या ऐसा कुछ, तो आप नया कैलकुलेटर लीजिए और उस पर ही अपना हाथ फिट करें। ठीक है, तो इससे इससे आपके बैक ऑफ द माइंड में भी ये रहेगा कि हाँ मेरे पास कैलकुलेटर है साथ में ही, और बहुत ही इजी है, आपका हाथ भी उस पर सेट है, आपको पता है सारी चीजें, तो सिंपल रहेगा। ठीक है, और कैलकुलेशंस मिस्टेक्स भी उसके चांसेस भी जो है वो कम हो जाएंगे। चलिए, तो बी पॉइंट आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस। अब आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, आप ये काम आप कर लीजिएगा। देयरफॉर ए बी इज अंडर रूट ऑफ 9/7 माइनस क्या है पॉइंट 1, -2, 3, तो 1, -2, 3 हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए आंसर लिख देती हूँ, प्लीज ये कैलकुलेशंस कर लीजिए। आंसर इज 1, your required distance. चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू अल्फा बीटा गामा। अच्छा, यहीं पर आप अपने क्वेश्चन को रोकिए और देखिए, मतलब आधी इंफॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी पता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज थ्रू अल्फा बीटा गामा, मतलब x माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा और z माइनस गामा तो पक्का रहेगा, हमें ये नहीं पता, या मतलब हमें अभी हमें आगे पढ़ के पता लगेगा कि हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालें। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता लग गया तो हमें इक्वेशन तो मिल गई। ठीक है, उतने ही से ही आपको पता लग गया कि आधा क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी हो गया। तो हम देखते हैं कि उस लाइन के बारे में, ऑब्वियसली डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं दिया होगा डायरेक्शन रेशियोज, पर कुछ चीजें दी होंगी जहां से हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल पाएंगे, तो वो देखते हैं। तो वो क्या दिया हुआ है, एट राइट एंगल। अच्छा, तो ये जो लाइन है जिसके बारे में वो आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में हमें इक्वेशन निकालनी है, वो राइट एंगल पे है इन दो लाइंस के, राइट? तो कैसे रहेगा, देखिए
मान लेते हैं अभी के लिए ए बी सी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, और ये ए बी सी ही हमें निकालना है। तो लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है ये आपके पास? x माइनस अल्फा बाय ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा बाय बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस गामा बाय सी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें से आपको एबीसी निकालना है। क्वेश्चन में एक और चीज आपको दी हुई, क्वेश्चन के हिसाब से जो जो ये लाइन है इक्वेशन नंबर वन, दिस लाइन इज एट अ राइट एंगल टू अनदर लाइन। ठीक है, अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो दो लाइन है, एक लाइन के बारे में पहले बात करते हैं। तो इस लाइन के अगर वो राइट एंगल पे है, मतलब दे आर परपेंडिकुलर, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज एल वन एम वन और एन वन दिए हुए, इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है। यहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एक और रिलेशन डायरेक्शन रेशियोज के बीच में। अगेन अगर आपको नहीं मालूम है आप बॉक्स बनाइए, एक आर ओ बी एम उसकी हेडिंग दीजिए, रिविजन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, और वहां पे ये आप लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको? कि अगर दो लाइंस हैं जिसके डायरेक्शन रेशियो ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू है, और ये दो लाइंस राइट एंगल है मतलब परपेंडिकुलर है, तो इन डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या है रिलेशन? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये यूजुअली तो वैसे हमने क्लास ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होना चाहिए ये जो प्रॉपर्टीज है, बट कोई बात नहीं, नहीं याद होता है, हमने बहुत पहले पढ़ा है, तो अब उसके बारे में अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम अब लगा देंगे डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन रेशियो क्लास ट्वेल्थ से करना शुरू कर देंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको टाइम आपने टाइम बचाना है, तो हमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम कलेक्ट करते जाएंगे। उसके लिए आपको ऐसे रोने की जरूरत नहीं कि अब अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, अभी तो हम एग्जाम में नहीं बैठे ना, अभी तो हम तैयारी करने बैठे, तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीजें जो नहीं पता, अगर आपको पता ही होती तो फिर आपको तैयारी करने की क्या जरूरत पड़ती। ठीक है, जो चीजें भूली हुई है वो रिवाइज करने की बारी है, तो आप उनको कलेक्ट करते रहिए। ठीक है, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी हमारे पास तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टाइम्स एल वन प्लस बी टाइम्स एम वन प्लस सी टाइम्स एन वन ये जीरो हो गया, एंड सेम लाइन एक दूसरी लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है, और वो है उनके डायरेक्शन रेशियो है एल टू एम टू एन टू। तो सेम रिलेशन ए टाइम्स एल टू प्लस बी टाइम्स एम टू प्लस सी टाइम्स एन टू इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करने वाले हैं? इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले। इन दो इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ऑब्वियसली हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी सी निकालना है हमें, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी फिलहाल आप इसको यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आई होप याद हो, नहीं याद है तो फटाफट देख लीजिए, ये हमारे पास क्लास टेंथ का कंसेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो उसमें क्या करेंगे, आपको ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, एक तो यहाँ पे माइनस मैंने इंट्रोड्यूस किया है और मैंने इक्वल्स टू इक्वल्स लिखा है। इसके डिविजन में ठीक है, चलिए तो ए के डिविजन में क्या आएगा, वो आप ए वाला कॉम्पोनेंट को हटा देंगे और बाकी से काम करेंगे। बाकी जो कोफिशियंट है M1 और N2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या बनेगा ये M1N2 माइनस M2N1 माइनस M2N1 माइनस B के नीचे जो है वो है आएगा L1N2 माइनस L2N1 L2N1 C के नीचे C को हटा देंगे इसके, यहां पे आएगा L1M2 माइनस L2M1 इसको आप किसी K से अगर इक्वेट कर ले तो आपके पास ABC की वैल्यू आई A इज इक्वल टू K टाइम्स M1N2 माइनस
एम टू एन वन, बी की वैल्यू आई के टाइम्स, इसको मैं रिवर्स कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन, तो ये आएगा एल टू एन वन माइनस एन वन एन एल वन एन टू, एंड सी की वैल्यू आपके पास है के टाइम्स एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन. ठीक है, अब ये ए बी सी की वैल्यूज, क्योंकि ये डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज हैं, आप इन डायरेक्शन रेशियोज को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो के हम हटा सकते हैं, के हम हटा सकते हैं, क्यों? अगर टू थ्री फोर डायरेक्शन रेशियोज, मैं डायरेक्शन कोसाइंस की नहीं डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रही हूँ, तो डायरेक्शन रेशियो अगर मेरे पास टू थ्री फोर है तो आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फोर सिक्स एट, ये भी डायरेक्शन रेशियो है. तो अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो मैं सबको वन बाय के से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ताकि के हट जाए, और वो भी डायरेक्शन रेशियो होंगे. तो हम के बिना भी ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं. तो देयरफॉर अब आपके पास एबीसी की वैल्यूज आ चुकी हैं, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन, दैट इज इक्वल टू y माइनस बीटा डिवाइडेड बाय L2 N1 minus N1 M2, that is equals to Z minus gamma divided by L1 M2 minus L2 M1, और ये है आपका आंसर. तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे. आई होप हेल्पफुल रहा हो, आपने बहुत सारी चीजें नई सीखी हो. हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और जो भी हम आगे टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे. चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you.